सही में पानीपत के इस धरती पे देवी मंदिर का महत्व बहुत बड़ा है। शिवराव भाव और बाकी लोगों ने ये फैसला किया कि मूर्ति जो जगह चाहती है उसी जगह मंदिर की स्थापना हो, और आप देख सकते हैं उसी जगह मंदिर का निर्माण किया गया और यह भव्य मंदिर खड़ा। तो पानीपत की हिस्ट्री की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। अभी देखा हमने देवी मंदिर, अभी जाएंगे आगे। तो दोस्तों, देवी मंदिर के बाद हम आए अभी यहाँ। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं कहाँ भाई? गोलीशाह कलंदर के माँ बाप के दरगाह पे। हाँ, तो क्या है मतलब इसका हिस्ट्री क्या है, क्या है आपको बता सकते हैं कुछ हिस्ट्री? ये गोलीशाह कलंदर के माँ बाप है, पानीपत की शान है। हाँ हाँ हाँ। और पानीपत के सारे पीर मुर्शिद के माँ बाप के जो मज़ार है ये पानीपत में ही है। अच्छा। जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन है। हाँ हाँ हाँ। उनके भी ये चाचा लगते हैं। चाचा लगते हैं जी। सूफी संत थे ये ना? सूफी संत है। तो इस प्रकार दोस्तों, देवी मंदिर के ही नज़दीक 400 मीटर की दूरी पर ये है कलंदर शाह के माँ बाप का, माँ बाप की पानीपत के अंदर जो ऐतिहासिक चीज है। हाँ। जो कलंदर। हाँ। उनके माँ बाप। ये अंदर मदरसा चालू है? ये मदरसा है। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम। मोहम्मद सद्दाम भाई ने अभी हमको जानकारी दी है बहुत अच्छे तरीके से। देवी मंदिर के बाद कलंदर शाह की दरगाह, और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं इब्राहिम लोदी समाधि। लेकिन दोस्तों, ये देखिए, ये पानीपत का हाल बहुत ही इतना बड़ा नाला। ओ माय गॉड। दोस्तों, अभी हम आए हैं हमारा तीसरा पॉइंट पानीपत का, इब्राहिम लोदी टोम। देवी मंदिर के ही बगल वाले रास्ते से आते हैं तो हम पहुंच जाते हैं इब्राहिम लोदी टोम। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों 1526 में, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत में जो जंग छिड़ी थी, तो उसमें इब्राहिम लोदी को शिकस्त खानी पड़ी थी, और उसी की ये समाधि स्थल। वैसे देखा जाए तो पानीपत बहुत सारे इतिहासों का गवाह है। पानीपत का नाम सुनते ही हमारे सामने एक युद्ध का चित्र खड़ा हो जाता है, और उसने सबसे पहला पानीपत की जो लड़ाई लड़ी गई वो थी 1526 की, बाबर और इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और उसी इब्राहिम लोदी की समाधि स्थल पे हम अभी आए हैं। इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, और उसने भारत पर 1517 से 1526 तक राज्य किया। 21 अप्रैल 1526 को उसकी पानीपत में उर्दू में लिखा गया है। इब्राहिम लोदी समाधि परिसर में ना ही किसी प्रकार का हिंदी का बोर्ड है, और ना ही कोई जानकारी। समाधि को अभी एक पार्क का स्वरूप दिया गया है, जहाँ लोग रहने आते हैं। देखिए, यहाँ पे 1526 में जो प्रथम युद्ध हुआ था पानीपत का, उसका कुछ चित्रण दिखाया गया है। लेकिन अफसोस की बात ये कि इन स्टैचूओं के हाथ टूटे हैं, तोप का पहिया ठीक नहीं है, और जो पीछे चित्र है उसका भी हाथ टूटा है।
तो यही अपने भारत का दुख है दोस्तों, कि कोई भी समाधि स्थल ठीक से उसका जतन नहीं किया जाता, ठीक से उसकी देखभाल नहीं की जाती और यह हाल हो जाता है। हरियाणा टूरिज्म को इस बात का ध्यान रख के इस मोनूमेंट को जतन करना चाहिए, इसकी देखभाल करनी चाहिए। नासिक से आए हो? क्या बना रहे हैं? वीडियो बना रहा हूँ। कौन सी चीज बना रहे हो? लोधी। लोधी मैं वही देख रहा था कि ये इनके हाथ टूटे हैं। नवी मूर्ति लगनी है, ये पानी से ना खत्म खराब हो गए हैं। बच्चों तोड़ दिया ना अभी, अभी नवी बच्चों तोड़ तोड़ दिया नवी अभी पारा का ना। और ये देख रहा था मैं कि यहाँ कोई हिंदी में जानकारी नहीं लिखी है, लोग दूर दूर से आते हैं देखने। आपको कैसे पहले ये था, अब ये पारा सारे दोबारा सौंदीकरण उसका हो रहा, पैसे मंजूर हो रहे हैं। वो टूटा पड़ा है ना, वो नवे लगे बच्चों तोड़ता है। हिंदी में कोई यहाँ जानकारी नहीं लिखी, वो ठीक है, वो इंग्लिश में लिखी है। जो जिसको नहीं जान, जो इंग्लिश में पढ़ना जानता वो क्या करेगा फिर? इब्राहिम लोधी मकबरा देखने के बाद दोस्तों अभी हम जाएंगे पानीपत के सबसे हिस्टोरिकल प्लेस काला आम की तरफ। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल को जगवेंचर जी। धन्यवाद। जय हिंद।